नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज मैं उस टॉपिक में बनाने जा रही हूँ वीडियो कि जैसे एक बच्चे जो है दूध पीते हैं, भरपेट दूध पीते हैं, लेकिन उनका जो दूध है अचानक से बंद हो जाता है और पेरेंट्स हमारे समझ नहीं पाते हैं कि किस वजह से बच्चा ये दूध कम कर दिया है और बच्चा पीता है तो उल्टी कर देता है बच्चा। तो वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये बच्चा एकदम से कि अब ये हो जाता है कि हम लोग समझते हैं कि बच्चा भूखा रहता है और इसको पता नहीं क्या हो गया कि एक कम दूध पीना शुरू कर दिया है, इसका इतना ही पेट है, इतने से ही पेट भर जाता है। तो पेरेंट्स, जब हमारे छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध में नजर लग जाती है तो उसको हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से बच्चों को अपने दूध पिलाना है और किस तरीके से कि कैसे उनको वो करना है कि बच्चों के नजर, बच्चों के दूध पे नजर ना लगे, दूध पर बच्चों के नजर ना लगे। क्योंकि दूध पे अगर नजर लग जाती है तो जैसे जो माताएं हैं ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनके भी स्तन पे नजर लग जाती है और दूध निकलना भी कम हो जाता है, और जब बच्चा वो दूध पीता है नजर वाला तो बच्चे को भी मतलब दिक्कत होती है, बच्चा उल्टी कर देता है तो बच्चे को भी हजम नहीं होता है। तो माय डियर पेरेंट्स, हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि दूध में नजर, बच्चे को दूध पिलाने में नजर कैसे लगती है और आपको किस तरीके से दूध पिलाना है, तो ये हम सब बताने कारण जा रहे हैं। तो आइए पेरेंट्स अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो महिलाओं, जो माताएं होती हैं बच्चों की, तो जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उनको किस तरीके से कराना चाहिए कि जैसे घर में अचानक कोई आ जाता है, कोई ना कोई घर में बना ही रहता है या कोई बाहर के लोग आ जाते हैं, अपनी सखी सहेली आ जाती है हमारी, तो हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं बच्चे को लिए, तो कैसे भी बैठे हैं मतलब, तो वो थोड़ा सा दिख गया या मतलब उस समय जो माताओं का ये स्तन होता है काफी भरा हुआ होता है दूध से और काफी भारी सा होता है, तो लोग आते हैं तो देखते हैं कि अरे इनके तो बहुत ही ज्यादा दूध, मतलब जब स्तन भारी है तो बहुत ही ज्यादा दूध निकल रहा है। तो बच्चे को कृपा करके आप ऐसे दूध पिलाएं कि जो ये साड़ी है या मतलब सूट वगैरह पहनती हैं, ये साड़ी है तो उसको साड़ी से ऐसे करके और इस तरीके से अपने बच्चे के ऊपर डाल करके इस तरीके से ऐसे बच्चे को दूध पिलाएं कि बच्चे का जो आपका स्तन है वो भी ढका रहे और बच्चे का जो मुंह है वो भी ढका रहे, तो इस तरीके से आपके स्तन में नजर नहीं लगेगी, दूध में नजर नहीं लगेगी, तो बच्चा आराम से आपका दूध पीता रहेगा और आपके दूध में कमी, निकलने में कमी भी नहीं आएगी। क्योंकि आज के समय में पता नहीं है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, तो इसलिए तो घर के भी लोग होते हैं तो उनको ढक करके ही बच्चों को आप दूध पिलाइए, और अगर कोई बाहर से आ जाता तब तो फिर आप इस कमरे से उस कमरे में जा करके ढक करके बच्चे को दूध पिलाइए। और दूसरा ये है कि जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं, जो बच्चे हमारे बोतल से दूध पीते हैं, माँ के स्तन में दूध नहीं निकलता है, तो बच्चों को क्या करें, पेट भरने के लिए ये बोतल का प्रयोग किया जाता है बच्चों के साथ, तो ये बोतल को भी ऐसे आप पिला रही हैं तो इस तरीके से खुला मत पिलाएं। घर पे हो, अगर घर पे हैं आप अकेले हैं और कोई नहीं है घर पे और माता पिता हैं आपके सास ससुर हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो वैसे में भी खुली बोतल दूध मत पिलाएं। आपको क्या करना है, अगर कोई आ जाता है या कहीं आप बाहर जा रही हैं, कहीं टूरिस्ट में जा रही हैं, कहीं घूमने जा रही हैं, तो आपको क्या करना है कि बोतल में भी आपको ये कवर डालना है, जैसे आप बोतल को भर लिया दूध से तो इसके बाद में बच्चे को दूध के लिए जैसे कहीं भी बच्चा मांगता है दूध तो आपको निकाल के देना पड़ता है, तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि बच्चे की दूध की बोतल बिल्कुल ढक लीजिए कवर से, ये कवर कर लीजिए, ये देखो कवर हो गया दूध की बोतल, ये कवर हो गई, और जब आप पिलाना चाहें तो दूध की बोतल से ये हटा करके ये हटा करके बोतल का जो ये कैप है तो कैप को हटा करके आप बच्चे को पिलाएं, तो इससे आपके बच्चे का जो बोतल का दूध है वो दिखाई नहीं देगा। तो माय डियर पेरेंट्स, दूध नहीं दिखाई देगा तो किसी हम लोगों को या और किसी दूसरे व्यक्ति को जो साथ में चल रहे हैं या साथ में मतलब रास्ते में मिल रहे हैं तो वो पता नहीं चलेगा कि इस बोतल में कितना दूध है कितना दूध नहीं है। नहीं, अगर आप खुली बोतल करके पिलाएंगे तो उसमें दूध का भी पता चलता है, और लोग इतनी नजर दूध में मार देते हैं, अगर खुली बोतल से आप पिलाएंगी तो इतनी नजर कस के मार देते हैं दूध में
कि आपका बच्चा दूध पिएगा ही नहीं, क्योंकि वो नजर वाला दूध हो जाता है तो वो बच्चा नहीं पिएगा। अगर बच्चा पिएगा तो बच्चा वो पलट देगा, पलट मीन्स उल्टी कर देगा। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बोतल से ज्यादा दूध लेकर के आप किसी बर्तन में जा रही हैं, तो उसमें आप क्या करिए, एक लाल मिर्च डंडी सहित होती है, लाल मिर्च उस दूध में, अलग वाले दूध में आप डाल लीजिए, क्योंकि वो रास्ते का चला हुआ दूध होता है तो वो दूध में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं दूध पिलाने में, उस वाले दूध को जो बाहर आपने रख रखा है, तो उसमें एक लाल मिर्च जरूर से जरूर डाल लें कि वो राह चलता हुआ दूध है तो उसमें नजर दोष किसी की और नकारात्मक बाहर की शक्ति ना प्रवेश करे। तो अगर आप अपने बच्चे को इस दूध का ध्यान रखेंगे कि हमको किस तरीके से पिलाना है और बोतल में कैसे पिलाना है, और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमको क्या चीज का उसमें दूध में इस्तेमाल करना है, वो टूटी हुई मिर्च ना हो, साबुत मिर्च हो, पूरी मतलब कहीं से कटी पटी ना हो, ऐसी मिर्च आपको डालना है। आप इन बातों का, अगर हमारी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे के जो पी रहा है दूध बोतल से, ये आपका दूध पी रहा है, तो बच्चे के दूध में आपके कभी भी नजर नहीं लगेगी और आपका बच्चा दूध। और हम लोग हैं कि पेरेंट्स ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा किस वजह से हमारा दूध कम कर दिया है बच्चे ने, और हमारे भी कैसे कम, मतलब दूध जो हमारे स्तन का है वो भी दूध थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आपको इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये आप सभी तक पहुंचे और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस दूध की नजर से उनको बचाया जा सके। पेरेंट्स ऐसे ही अच्छे बच्चों से जुड़े हुए अच्छे वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों में शेयर करें, ताकि हमारा ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे और दूसरों के भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो है तो वो सही तरीके से दूध पिए और कभी दूध में नजर ना लगे, ताकि बच्चे हष्ट पुष्ट बने रहें और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। और